नमस्कार, स्वागत है आपका INN 24 पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बुलेटिन में सबसे पहले मुख्य सुर्खियां। छत्तीसगढ़ के चिरमिरी में दिखी छत्तीसगढ़ की छटा, 17वें स्थापना दिवस पर हुए रंगारंग आयोजन। बिहार के बेतिया में मामूली विवाद पर धारदार हथियार से हमला, युवक की हालत नाजुक। और प्रेम विवाह के बाद चरित्र शंका को लेकर पत्नी को घर से निकाला, कर रहे दहेज की मांग, बिहार के शेखपुरा का मामला। कलाकारों को अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने के लिए एक उचित मंच प्रदान करने के उद्देश्य से बिहार के औरंगाबाद में आज से 2 दिवसीय युवा उत्सव की शुरुआत हो गई है। स्थानीय नगर भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में जिले के सुदूर ग्रामीण इलाकों के सैकड़ों युवा कलाकार भाग ले रहे हैं। विभिन्न विधाओं में आयोजित इस जिला स्तरीय प्रतियोगिता के विजेता कलाकारों को जिला प्रशासन के माध्यम से राज्य स्तरीय पर आयोजित किए जाने वाले युवा उत्सव में अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का मौका दिया जाएगा, ताकि उनकी प्रतिभा न सिर्फ निखर कर लोगों के सामने आ सके बल्कि उचित सम्मान भी मिल सके। प्रत्येक वर्ष कला संस्कृति एवं युवा विभाग बिहार सरकार तथा जिला प्रशासन औरंगाबाद के संयुक्त तत्वावधान में जिला पदाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार हम लोग युवा उत्सव का आयोजन करते हैं। प्योर गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, इसमें डिपार्टमेंट के द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम की विधाओं का निर्धारण किया जाता है। इस वर्ष जिला पदाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार हम लोगों ने प्रत्येक प्रखंड में 13 अक्टूबर को प्रखंड स्तरीय युवा उत्सव का आयोजन किया था। युवा महोत्सव बिहार सरकार की कला एवं संस्कृति विभाग का यह कार्यक्रम है। बिहार सरकार यह सोच है कि हमारे युवाओं में से हम अच्छे कलाकार को प्रमोट करें, उनको प्रोत्साहित करें और दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों में जो हमारे वैसे कलाकार जो नाम हैं जिनकी उनको हम एक अच्छा मंच दे सकें, उनको पहचान हम दे सकें अपने राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर। इसके लिए यह व्यवस्था की जा रही है। आपके जिले में 2 दिवसीय जो है सो सिलेक्शन है कमेटी है जो आज और कल जो है 2 दिन सभी विधाओं में लगभग 15 विधाएँ हैं गायन वादन नृत्य सारे हैं और उसमें जो है जो हमारी पारंपरिक जो विधाएँ सांस्कृतिक धरोहर जो हमारा है उनका यह कार्यक्रम है। झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने बोकारो में सभा को संबोधित करते हुए JMM कांग्रेस और राजद पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि इन पार्टियों ने झारखंड को लूटा है। 14 सालों के अंदर जब यहां मधुकोटा की सरकार रही तो कई घोटाले इनके कार्यकाल में किए गए। कोल स्कैम से लेकर चारा घोटाला ये पार्टी करते रहे। झारखंड से अब युवाओं को दूसरे राज्यों में पलायन करने की जरूरत नहीं है। अकेले टेक्सटाइल उद्योग से 2 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि 32,000 गांव की महिलाओं को शिक्षित करके उन्हें स्वावलंबी बनाया जाएगा। आने वाले 2022 में एक भी परिवार BPL कार्ड धारी नहीं रहेगा। सरकार इस दिशा में काम कर रही है। जो बरसों से इस देश में शासन किया, इस राज्य में शासन की कांग्रेस पार्टी, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा, ये आर लालू यादव जो कहते थे मेरे लाश पर झारखंड बनेगी, और अब आजित बिहार में ये झारखंड को चारागाह बनाया था लूट का, चारा घोटाला, गाय का चारा घोटाला करने वाले लोग फिर से झारखंड में लूट खसोट की राजनीति के लिए आप देख रहे हैं एक हो रहे हैं। क्योंकि हमारी सरकार में 3 वर्षों के अंदर कोई भी हमारी सरकार पर आरोप कोई लगाने की हिम्मत नहीं की। जो हमारा झारखंड, उस झारखंड को स्कैम नाम से झारखंड दुनिया जानने लगी कि भ्रष्टाचारी झारखंड, और फिर वही नेता आज फिर इस राज्य में भ्रष्टाचार लूट खसोट कि राजनीति के लिए फिर गोलबंद हो रहे हैं। पंजाब के लुधियाना में आज जैन समुदाय के लोगों को अपशब्द बोलने की वजह से जैन समुदाय के लोगों ने सुंदर नगर चौकी लुधियाना में हजारों की संख्या में धरना प्रदर्शन किया। जैन समुदाय के लोगों ने बताया कि कुछ शरारती तत्वों द्वारा जैन समुदाय को गालियां दी गई हैं और अपशब्दों का प्रयोग किया गया है। प्रधान ने बताया कि इन लोगों पर अगर जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो हजारों की संख्या में जैन समुदाय के लोग इकट्ठे होकर धरना प्रदर्शन करेंगे। शिकायत साढ़े को धीरज कुमार की शिकायत चौंकी आई है, दूसरे पासों राजन गुप्ते की भी आई है, तो इन दोनों दरखास्त कंप्लेटा शिकायतों के असं पड़ताल कर रहे हैं। ये कोई किसी के शान के खिलाफ जो कोई बोलिया तो वो असी जी बनती है
कार्रवाई करेंगे। हमारे सामने गुप्ता पैकिंग मटेरियल के दो भ्राता मिस्टर राजन गुप्ता और मिस्टर संजीव गुप्ता अपनी धक्केशाही और दादाशाही के बल पर सबसे पहले लेबर के बंदे को धक्का मार के उसको दो चपेड़े लगाई। तत्पश्चात जब हमारे जैन समाज के सारे बंदे वहाँ पे इकट्ठे हुए तो इन्होंने हमारे जैन समाज के प्रति अभद्र टिप्पणी करते हुए सभी जैनियों के लिए बहुत ही ज्यादा अपशब्द बोले। हमने तुरंत पुलिस प्रशासन को इस बारे में इत्तला दे दी। पुलिस प्रशासन ने हमारी कंप्लेंट नोट करके हमें ये आश्वासन दिया कि इस मसले को हम पूर्ण रूप से सुलझाने का प्रयास करेंगे। इसके अगेंस्ट हमें आज 12 बजे इन्होंने सुंदरनगर पुलिस चौकी में बुलाया है। इसके लिए हम सभी जैन समाज के लोग सैकड़ों की तादाद में लोग यहाँ पे जैन समाज की अभद्र टिप्पणी के विरोध में इकट्ठे हुए हैं। बिहार में शेखपुरा से वैशाली स्कूली खेल मार्शल आर्ट्स कराटे खेल खेलने गए दो प्लेयर नेशनल के लिए हुए सिलेक्ट। प्लेयरों ने दो प्लेयरों ने सिल्वर पर अपना कब्जा जमाया। शेखपुरा में 10 से 12 प्लेयरों की कराटे जनरल सेक्रेटरी ने अच्छा परफॉर्मेंस करने की बात कही है। पूरे जिले में 150-100 विद्यार्थियों में ये 10 का होने की बात भी कही। वही जनरल सेक्रेटरी ने कहा कि सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं दिया गया। ये बच्चे खुद राशि इकट्ठा कर खेल के लिए दूसरे जगहों पर जाते हैं। वैशाली में स्कूली गेम था जिसमें से दो बच्चे ने गोल्ड मेडल निकाला, एक निकिता और एक राम कुमार, बाकी 5 ब्रॉन्ज है और 1 सिल्वर है। ये जो गोल्ड मेडल लिए हैं ये नेशनल के लिए सिलेक्ट हो गए हैं, इसका अभी डेट क्लियर नहीं हो पाया है और उम्मीद है कि ये दोनों बच्चे नेशनल के लिए भी मेडल लाएंगे। अभी फाइनल से कौन सेमीफाइनल खेले, स्टेट से 2 गोल्ड मेडल आए हैं। इसे और भी कितने लड़के हैं जो कि अभी खेल के लिए प्रेरित हो जा रहे हैं आगे आपके अंडर में? मेरे अंडर में शेखपुरा जिला में कम से कम मेरे पास में 150 विद्यार्थी हैं, कराटे का स्टूडेंट हैं जो सभी गेम को खेलना चाहते हैं और इसमें अच्छा परफॉर्मेंस भी करते हैं। छत्तीसगढ़ के चिरमिरी में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी भाजपा किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष लखनलाल श्रीवास्तव जी के द्वारा 1 नवंबर 2017 को भी चिरमिरी के छोटी बाजार शंभू चौक में छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस के उपलक्ष्य पर एक कार्यक्रम रखा गया और इसमें वहाँ के रहने वाले स्थानीय लोग भाजपा के समस्त कार्यकर्ता उपस्थित होकर इस कार्यक्रम को सफल बनाए। इस कार्यक्रम में अपने उद्बोधन में लखनलाल जी ने बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण भारतीय संविधान के 84वां संविधान संशोधन द्वारा हुआ है। मातृ राज्य मध्य प्रदेश से 44 वर्ष बाद पृथक होकर छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ। 31 जुलाई 2000 को इस अधिनियम को लोकसभा में पारित किया गया। इस प्रकार 1 नवंबर 2000 छत्तीसगढ़ देश का 26वां राज्य बना। इस प्रकार जनमानस को लखनलाल श्रीवास्तव जी के द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के प्रतीक चिन्ह के बारे में विस्तार से समझाया गया और समस्त नगरवासी एवं भाजपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा सामूहिक रूप से केक काटकर अपनी खुशियां एक दूसरे से बांटी गई। बिहार में कुड़नी प्रखंड के केसरामा गांव में मिश्रा समुदाय के लोगों ने श्री विष्णु महाविष्णु यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ 8 दिनों तक चलेगा। इस यज्ञ में अयोध्या से आए हुए आचार्य ने हिस्सा लिया। इसकी अध्यक्ष कृष्णचंद्र मिश्रा ने की। अध्यक्ष श्री मिश्रा से बातचीत में बताया कि उन्होंने यज्ञ में किसी तरह की अनहोनी ना हो इसके लिए एक सदस्यता का गठन किया है, प्रशासन से सुरक्षा की मांग की है। यज्ञ के साथ मेला होने से अगल बगल के गांव से लोग जमा हो रहे हैं। इस यज्ञ में मेला का व्यवस्था किया गया है। इस यज्ञ के कोषाध्यक्ष श्री अर्जुन मिश्रा और सदस्य श्री ब्रिजमोहन मिश्रा, श्री चंचल ठाकुर और हजारों की संख्या में श्रद्धांजलि में मौजूद रहे। बिहार के समस्तीपुर में पशुपालक किसान सेवा संघ के बैनर तले सैकड़ों किसानों ने सुबह 10 बजे से NH-28 को मुसरी घरारी के गंगापुर के अकलू चौक के पास अनिश्चित काल के लिए जाम कर दिया। NH-28 पर प्रदर्शन कर रहे किसान प्रदेश के किसानों की कर्ज माफी और दूध के लाभकारी मूल्य घोषित करने की मांग कर रहे हैं। इस मौके पर संगठन के प्रदेश संयोजक वैद्यनाथ चौधरी ने कहा कि देश के अन्य प्रदेश में किसानों का कर्ज माफी वहां के सरकार के द्वारा किया गया, लेकिन बिहार के किसानों की कर्ज माफी सरकार के द्वारा नहीं की गई है, जिसको लेकर यह सत्याग्रह शुरू किया गया है। साथ ही प्रदर्शनकारी किसान सरकार के द्वारा दूध की लाभकारी मूल्य घोषित करने की मांग कर रहे हैं। लगभग 8 घंटे बाद सदर SDO के आश्वासन पर किसान आंदोलन को स्थगित किया गया। हमारी सबसे पहली मांग है कि पशुपालक के दूध का लाभकारी दाम मिले।
चूंकि पानी 20 रुपया लीटर और किसान का दूध 23 रुपया लीटर, और जब 23 रुपया लीटर व्यवसायी के पास चला जाता है तो वह 40 रुपया से 46 रुपया लीटर बिकता है। अभी आलू का दाम 15 रुपया किलो, बीज खरीद के जो आलू रोपे उन किसान को इतना घाटा लग रहा है कि कोल्ड स्टोरेज से आलू नहीं निकाल रहे हैं। कृषि को उद्योग का दर्जा दिया जाए और किसानों के फसल का लाभकारी मूल्य मिले। आइए बढ़ते हैं क्राइम की खबरों की ओर। बिहार के गया में दवा व्यवसाय करने वाले मुकेश कुमार को पान में जहर मिलाकर हत्या कर दी गई। मृतक के पिता ने बताया कि मुकेश और वो खुद 11 बजे दुकान खोलने के लिए बंगला स्थान गए हुए थे, लेकिन उनके बेटे ने कहा कि वो सेल टैक्स में किसी वकील से मिलकर आते हैं। वही कुछ देर बाद वकील ने मुकेश के जान पहचान वाले डॉक्टर के पास फोन किया कि मुकेश की तबीयत खराब हो गई है और वे बेहोश हो गए हैं। वही उसे आनन फानन में जयप्रकाश नारायण अस्पताल लाया गया, लेकिन मुकेश ने कुछ समय बाद दम तोड़ दिया। अस्पताल में हुए मुकेश के पोस्टमार्टम में भी जहर की वजह से मौत होने की बात सामने आई है। बहरहाल पूरे मामले पर पुलिस कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। कई लोग बता रहे हैं कि कहीं घर से तो नाश्ता वास्ता करके लोग चले हैं, लोग सभी लोग अपने परिवार में था, सभी लोग साथ में नाश्ता किए हैं। इसके बाद हमारे लोग वहाँ से नाश्ता करने के बाद कोई वकील से कोई डिस्ट्रिक्ट का मीटर भरना था वहाँ पर जा रहे थे, तो बीच में का तबियत वकील साहब का तबियत खराब हुआ है। अभी लोग का नाम है कि शायद वकील साहब कुछ बताए हुए हैं कि मैंने लोगों को पान खिलाया है, कौन आदमी है वो उतना तो क्लियर हम लोग पता भी नहीं है। तो बताया जा रहा है कि पान में जहर दिया गया, तो ऐसा परिवार के लोग बोल रहे हैं कि हो सकता है कि मैंने वकील साहब से बात किए होंगे। अच्छा, तो वो तो फिर बात का प्रक्रिया है कि तो किसी किसी पर नेम्ड FIR भी हो रहा है? नहीं, नेम तो ऐसा किसी ऐसा बात नहीं है। आगे क्या कार्रवाई होगी सर? अब आगे इस पर जांच पड़ताल होगा, इसके ऊपर FIR दर्ज होगा, इसके फिर अज्ञात तो खिलाया जाएगा। कूड़ा को पानी खिलाया है रास्ता में, कोई डॉक्टर कुछ नहीं बता रहा है। ये घंटा का माजरा है, 10:30 से 11:30 पॉइजिंग की बात है, दारू देने की बात है? नहीं, कोई राजदेव जी हैं क्या जी? संभावना ऐसा जताया जा रहा है कि पान के साथ पॉइजन पॉइजन बोली है। वकील साहब से बोला है कि रास्ता में जान पहचान के था, वो जेब से बात हुआ, जेब से दो पान निकाला, वो अपने खाए, वो हमको खिलाया है, समझे कि नहीं। इसके बाद वकील साहब जाते जाते इसको बिल्कुल सब बोला सुबह कौन आदमी था, कौन था से क्या बता रहा है कि जान पहचान का है, बोली से वकील साहब दुकान में आता है, वो बराबर दुकान में आता है, हम पहचानते हैं उसको, लेकिन वो है ही नहीं। 10:25 में मेरे पास फोन आया था और क्या बोले कि रवि तुम दुकान निकलो, पापा को लेकर निकलो दुकान, हम जो वकील साहब के यहाँ जा रहे हैं। हम ठीक है, हम निकलते तो बोलिंग क्या कर रहे थे, हम ब्रश कर रहे हैं, तो जल्दी से तैयार होकर निकलो। फिर उतना देर में 20-25 मिनट बाद अंकल का फोन आया कि रवि तुम दुकान चलो, हम दुकान पे आ गए। तो ठीक है, फिर दुकान गए हम, फिर दुकान जाने के बाद फिर उसके बाद फोन नहीं, वकील साहब के यहाँ गए थे, वकील साहब फोन किए साहब को, साहब फिर गुड्डू भी आए कि रवि जल्दी चलो, मुकेश भैया का तबीयत खराब है वहाँ, तो गए साथ में। और साथ में जाने के बाद फिर उसके बाद वहाँ से लेके आए हम ऑटो में, ऑटो लेके आए तो ऑटो में पूछे क्या हुआ भैया, तो वहाँ बोले कि नहीं कोई पान खिला दिया है। तो कौन खिलाया? तो कोई हमेशा दुकान पर वो आता है और जान पहचान नहीं है, कौन खिलाया नहीं बताया नाम। छत्तीसगढ़ में पत्थल गांव के बागबहार थाना क्षेत्र के पीठा अम्बा गांव में आज बड़ी संख्या में पुलिस बल और कार्यपालिक मजिस्ट्रेट पहुंचे, साथ में उस महिला के पति को भी गाड़ी से उतारा जिसने 25 अक्टूबर को कोतबा चौकी में रिपोर्ट लिखाई थी कि उसकी पत्नी चमेली 18 अक्टूबर को अपने मामा के घर जाने के नाम से निकली, जो अब तक नहीं लौटी है। कोतबा पुलिस गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखकर चमेली की तलाश कर रही थी। इसी बीच गायब हुई चमेली के मायके वालों को अपने दामाद धनेश्वर यादव पर ही शक था कि इसी ने अपनी बीवी की हत्या कर दी होगी। वहीं ग्रामीणों का भी संदेह धनेश्वर पर ही जा रहा था। पुलिस ने धनेश्वर यादव को संदेह के आधार पर हिरासत में लेकर जब पूछताछ शुरू की तो धनेश्वर टूट गया और अपनी गर्भवती पत्नी की हत्या का जुर्म कबूल लिया। इसके बाद आरोपी की निशानदेही पर घर के पिछवाड़े में शौचालय के लिए बने गड्ढे की खुदाई कर मृतिका की लाश बरामद की। मैं रात को 11 बजे मार दिया। क्या से मार दिया? घोसला से मार दिया। क्या बात? डेली झगड़ा होते थे शाम डेली। एक बार सुई लगवा के अपने घूमने निकलता था तो मेरे को बहुत डांट के जवाब देती और काम के लिए भी
बहुत झगड़ा करते थे, मैंने डेली सुबह शाम शरारती थी, मैंने गुस्से में आकर गुसुला से आप उसकी हत्या की। ये मामला पीठामा आउटपोस्ट कोतबा के अंतर्गत आता है, पीठामा गांव है, वहां पर चौकी में 25 तारीख को पीठामा का धनेश्वर यादव एक गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज कराता है अपनी वाइफ चमेली सिगार के बारे में। चमेली सिगार और धनेश्वर यादव आज से 6 साल पहले लव मैरिज किए थे। तो ये 25 तारीख को गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज कराता है कि 18 तारीख को मेरी वाइफ अपने मामा के यहाँ जाने के लिए घर से निकली है और उसके बाद उसका कोई अता पता नहीं चल रहा है, गायब है जी। उसके बाद हम लोग गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पता तलाश किए, पता साझी किए, कहीं भी पता नहीं चला, जहाँ पर बताया था कि मामा के यहाँ की रुलडी गई है, तो ऐसा कहीं कुछ हम लोग को पता नहीं चला कि यहाँ से वो निकली है ऐसा। तो हम लोग को डाउट होना शुरू हुआ उसके पति के ऊपर, और कल जब उसके हस्बैंड धनेश्वर को बुलाकर थाने में पूछताछ किए तो पूरा घटना करना कबूल कर लिया। तो इसमें घटना ऐसा है कि एक्चुअली वो 18 तारीख को ही अपनी वाइफ को एक घर के मामूली से झगड़े में टमाटर की खेती में मजदूर लगाने की बात को लेकर इन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ और एक बंसुला होता है उससे उसके सिर में मार दिया, जिससे वो ख़त्म हो गई और अधमरी हो गई। तो देखा कि अब ये नहीं बचेगी तो उसको और उससे मार के और उसके घर के पीछे अभी टॉयलेट बनने के लिए एक सेप्टिक खुदा था, उसी में रात में 11:30 बजे बताता है जैसा कि ले जाके उसमें डाल दिया और मिट्टी से दफना दिया। बात ऐसी आई है कि प्रेगनेंसी वाली बात को लेकर इन दोनों के बीच में मनमुटाव था, ये बच्चा नहीं चाहता था, और उनके घर परिवार की संलिप्तता अभी तक सामने नहीं आई है। अगर आती है तो बिल्कुल उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। अभी फिलहाल धनेश्वर के खिलाफ 302 IPC और 201-203 जो साक्षी छिपाने के होंगे उसको करके उसको हिरासत में ले लिए हैं और उसको कल रिमांड पर भेजा। बिहार के दीपनगर थाना क्षेत्र के कोरा इलाके में पूर्व के विवाद को लेकर दो गुट में हुई गोलीबारी में 2 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। घटना के संबंध में पुलिस उपाधीक्षक सदर निश्चित प्रिया ने बताया कि पिछले साल ही जानवर बांधने को लेकर गांव के ही 2 गुटों में विवाद हुआ था और आज भी उसी पुराने विवाद को लेकर 2 गुटों में गोलीबारी हुई, जिसमें मंटू कुमार और मुनेश्वर मास्टर को गोली लग गई। गोलीबारी की घटना के बाद पूरे गांव में अफरा तफरी का माहौल देखा जा रहा है। स्थानीय पुलिस मौके की नजाकत को देखते हुए घटनास्थल पर कैंप कर रही है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि मंटू कुमार पूर्व में ही किसी मामले को लेकर जेल की हवा खा चुका है और वह पिछले दिनों ही जेल से बाहर आया है। घटना की सूचना मिलते ही दीपनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन कर रही है। घायलों की चिंताजनक स्थिति को देखते हुए चिकित्सकों ने मुनेश्वर मास्टर और मंटू कुमार को पटना PMCH रेफर कर दिया है। श्री रामनगर एक गांव है कोरे के बगल में, अभी भी हमको पता हुआ है 2 आदमी को गोली लगी है ना, इसकी जब पता करते हैं लोगों से क्या बात है उसके बाद आप क्या विवाद के बारे में क्या चला पता? विवाद तो पहले से वहाँ कुछ जादवों का चल रहा है, पहले से विवाद है, अभी पूरा डिटेल पता नहीं है, सुसाइड नोट में लिखा कर्ज नहीं लौटा पाने के कारण कर रहा हूं आत्महत्या, मुझे माफ करना। पंजाब में तरनतारन के गांव वेरोवाल में आड़ती और बैंक के कर्ज से परेशान सतनाम सिंह ने घर के पंखे से फंदा लेकर आत्महत्या कर ली। मृतक सतनाम सिंह पर लगभग 20 लाख के करीब कर्ज था, उसने गांव के ही एक व्यक्ति से 1 लाख रुपए कर्ज ले रखा था। कर्ज की राशि उसे आज अदालत के समक्ष व्यक्ति को लौटानी थी, लेकिन रुपयों की व्यवस्था ना होने के कारण कल रात को सतनाम सिंह ने घर में पंखे से फंदा लेकर आत्महत्या कर ली। देखो ये सतनाम सिंह 36 साल की उम्र आदि, सरपंच साहब के जो वेरीफाई करते पता लगा भी ये तकरीबन 15-20 लाख रुपए का कर्जा वा पक्ख पंखा का, कुछ ने पैड़ी गहने पाई वह कुछ इन्हों का समझौता हो गया लोक अदालत 1 लाख रुपया किस्त जी अज देनी सी वो करके परेशान सगा, जिदा करके इन्हें ये काम किया अपने घर इन्हें रात पखे अपने परना पा के फा लिया के रात मुकते 174 की कार्रवाई करती है, मैडिकल करने वास्ते भेज दी है लाश, अगर जो डॉक्टरी रिपोर्ट आऊ उस बाद अगली कार्रवाई होने चलन जाएगी। ये सिर पर कोई 19-20 लाख रुपए का कर्जा है, ये कर्जे की वजह के नाल दिमागी बहुत परेशान रहा है, बहुत टेंशन रहा है। तो हूँ कल मैं कहता ही भी मेरा 1 लाख रुपया मैं अदालत के जज साहब के साहब को देना, तो वो कल तक इकट्ठा नहीं हो सकया,
ਤੇ ਉਹਨੇ ਰਾਤ ਇਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਸਭ ਕੁਛ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਦਿਨ ਬਦਿਨ ਨਵੀਆਂ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਬਿਹਾਰ ਮੇਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧੀਕਸ਼ਕ ਕਟਿਹਾਰ ਕੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪਰ ਤੀਨ ਪ੍ਰਖੰਡ ਮੇਂ ਕੀ ਗਈ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਮੇਂ ਚੋਰੀ ਕੇ ਸਾਥ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵ ਮੋਬਾਈਲ ਬਰਾਮਦ ਕੀ ਗਈ। ਬਤਾਤੇ ਚਲੇ ਕਿ 1 ਨਵੰਬਰ ਕੋ ਟੀਮ ਗਠਿਤ ਕਰ ਕੀ ਗਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਮੇਂ ਕੋੜਾ ਫਲਕਾ ਪੋਠੀਆ ਕੁਰਸੇਲਾ ਬਰਾਰੀ ਥਾਣਾ ਕੇ ਥਾਣਾ ਅਧਿਕਸ਼ ਨੇ ਮਿਲਕਰ ਬਰਾਰੀ ਪ੍ਰਖੰਡ ਕੇ ਰੋਨੀਆ ਮੇਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰ ਦੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵ ਦੋ ਅਭਿਯੁਕਤ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਵ ਦੀਪਕ ਮੰਡਲ ਕੋ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਆ। ਵਹੀ 7 ਨਾਮਜ਼ਦ ਆਰੋਪੀ ਕੋ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਆ ਗਿਆ। ਯੇ ਸਭੀ ਆਰੋਪੀ ਬਦਮਾਸ਼ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰ ਲੂਟ ਕੀ ਘਟਨਾ ਕੋ ਅੰਜਾਮ ਦੇਤੇ ਥੇ, ਜੋ ਕਟਿਹਾਰ ਪੁਲਿਸ ਕੇ ਲੀਏ ਭਾਰੀ ਸਿਰਦਰਦ ਬਨੀ ਹੋਈ ਥੀ। ਵਹੀ ਕਟਿਹਾਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧੀਕਸ਼ਕ ਸਿਧਾਰਥ ਮੋਹਨ ਜੈਨ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ ਮੇਂ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਯੇ ਸਭੀ ਬੜੇ ਗਿਰੋਹ ਕੇ ਅਪਰਾਧੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੇ ਬੜੀ ਵਾਰਦਾਤ ਕੋ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਚੁਕੇ ਹੈ। ਸਭੀ ਨਾਮੀ ਅਪਰਾਧੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕੇ ਸਾਥ ਲੂਟਪਾਟ ਕੀ ਘਟਨਾ ਕੋ ਅੰਜਾਮ ਦੇਤੇ ਥੇ। ਵਹੀ ਕਟਿਹਾਰ ਪੁਲਿਸ ਕੋ ਬੜੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਥ ਲਗੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਾਹਨੀਯ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸਸੇ ਔਰ ਭੀ ਗਿਰੋਹ ਕਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ। बिहार के बेतिया पश्चिम चंपारण मंझोलिया के गढ़वा भोगाड़ी में एक व्यक्ति को धारदार हथियार से मार जख्मी कर दिया है। घायल का इलाज बेतिया MJK अस्पताल में चल रहा है। घायल नूर होदा ने बताया कि खेत में उनकी बेटी कार्य कर रही थी, उस समय महिला में झगड़ा हुआ। उसके बाद जब पीड़ित अहले सुबह सौच के लिए जा रहा था, तभी रहमान इकबाल अरसद सहित 10 व्यक्तियों ने पीड़ित को रोक लाठी डंडे से वार करने लगे। परिजनों की मदद से घायल को बेतिया MJK अस्पताल लाया गया, जहाँ पीड़ित की हालत में सुधार चल रही है। समाचार लिखे जाने तक फर्द बयान नहीं हुआ था। एवर सवेरे 7 बजे 7:30 बजे एक करीब में हम गए मैदान कर खदरा शरीर में तले 10-12 आदमी भाल आया क्लास देख के हमारे खेद लागल के खेद लागे रहमान और उनका दू को बेटा क्या नाम अपन नाम जाना था एक अनिशु रहमान मनीषू रहमान एक मनीषू रहमान एक इब्नुल हाफिज जी के बेटा नेक मोहम्मद खेत रहा था लो, हम भाग करके गए अपने आगना में, दरवाजे पर हम गिर गए जब तक भाला मार दिया लोग। बिहार के बेतिया में नशे में धुत एक शराबी को पुलिस ने पकड़कर जेल भेज दिया है। उक्त बातों की जानकारी थाना अध्यक्ष OP चौहान ने दी। उन्होंने बताया कि थाना क्षेत्र के चैन बांध निवासी लाल बहादुर महतो का 22 वर्षीय पुत्र राजू महतो को नशे की हालत में पारस पकड़ी चौक से गिरफ्तार कर मेडिकल जांच उपरांत जेल भेज दिया गया है। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के द्वारा किए जा रहे भारत यात्रा का जत्था 17 राज्यों से होते हुए आज झारखंड के हजारीबाग पहुंची, जहां हजारीबाग स्थित सर्किट हाउस में एक प्रेस वार्ता किया गया। प्रेस वार्ता में अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के सदस्यों ने कहा कि आज किसान बहुत ही खराब दौर से गुजर रहे हैं। हर जगह किसान आत्महत्या कर रहे हैं। इस समय सरकार किसानों के दुख दूर करने के बजाय किसानों की जमीनों का अधिग्रहण किया जा रहा है। जब किसान इनका विरोध करती है, तब सरकार किसानों पर गोलियां चलाकर इन्हें दबाने का प्रयास करती है। क्योंकि ये पूंजीपतियों के कर्जा माफ करते हैं, किसानों के कर्जा माफ नहीं करते। पूंजीपतियों को सब तरह की सहूलियत दे रहे हैं सरकार, लेकिन किसानों को नहीं दे रही है। एक तो ये मुख्य सवाल है कि किसानों का जो ऋण है उसको माफ करो। दूसरा सवाल है किसान जो किसानी उपज करता है, खेती करता है, पैदा करता है, उसका उचित मूल्य नहीं मिलता, लाभकारी मूल्य। तो उसमें है कि यह आपको डेढ़ गुना किसानी की जो उपज है उसका डेढ़ गुना दाम मिले। इस सवाल को लेकर के पूरे देश के पैमाने पर, पूरे देश में सभी राज्यों में ये झारखंड ये किसान मुक्ति यात्रा निकाला गया है। इसमें सभी किसान संगठन के लोग हैं और 20 नवंबर को अंतिम वो दिल्ली में किसान संसद होगा, जिसमें लाखों किसान भाग लगे और किसानों के जो सवाल है उसको लेकर के लड़ेंगे। 182 किसान संगठन इकट्ठा होके किसान का दो मांग को लेके पूरा देश में हम लड़ाई लड़ रहा है। एक है फसल का डेढ़ गुना दाम और उसी दाम पे सरकार खरीद करे,
और दूसरा है सरकार के किसान का जितना कर्जा है वो प्राइवेट हो साहूकार हो बैंक हो ये सारे कर्जा माफ़ करें। ये दो मांग को लेके पूरा हिंदुस्तान में हम यात्रा कर रहे हैं किसान मुक्ति यात्रा, और ये मुक्ति यात्रा पूरा हिंदुस्तान कवर करने के बाद हम लाखों किसान को पार्लियामेंट के सामने संसद के सामने 20 नवंबर मोबिलाइज करेंगे। पंजाब के लुधियाना शहर में वारदातों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। हम बात कर रहे हैं शहर के प्रमुख चौक खुद मोहल्ला की, जहां पर कुछ हथियारबंद युवकों ने सरेआम एक युवक पर कातिलाना हमला कर फरार हो गए, लेकिन उसके बाद भी पुलिस अब तक उन अपराधियों को पकड़ने में असफल साबित हो रही है। एडिशनल HHO जगजीत सिंह ने बताया कि वारदात शाम 5 बजे की है और कुछ लोगों ने हमला कर एक व्यक्ति को घायल कर दिया, जिसके बयानों के आधार पर हमला करने वाले 7 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है व उनकी जल्द गिरफ्तारी कर ली जाएगी। अब देखना यह होगा कि बड़े बड़े दावे करने वाले लुधियाना पुलिस कब तक उनके गिरेबान पर हाथ डालकर अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजती है। 30:10 करीब 5 बजे का टाइम सी, उत्थे दो परिवार आमो सामने रहिंदे ने, उन्हां दे विच लड़ाई झगड़ा होया सी, जिहदे विच इक उन्हां दे नौकर ते काफ़ी सट्टां लगियां, जिहड़ा कि CMC दाखल है। असीं अज उन्हां दा बयान लिता जा के हस्पताल दे विचों, ते बयान मुताबक जो भी कार्रवाई असीं कर रहे हां उहदे विच जुर्म 326, 323, 341, 579, 506, 148, 149 PS का जुर्म बनता है। ये असी करीब 8 बंदे बाई नेम परचा दर्ज किया, 10-15 अणपछाते बंदे ने दोषियों जल्दी रेड करके गिरफ्तार किया। ਇਹਦੇ ਰੋਲ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੋਟਲ ਤੇ ਕਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਆ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਆਇਆ ਵਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੋਰ ਆ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਜਾਣ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ BJP ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਹੀ ਰੋਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਵਸਾਉਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਆਂਢ ਹੈ, ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਵੀ ਪਰਚਾ ਪੋਇਆ ਵਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਾਤ 3:30 ਵਜੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਅੱਗੇ, ਪੁਲਿਸ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਖੜ੍ਹੀ, 10 ਬੰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਵਾਂ। ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਚਾ ਝੂਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਬਿਹਾਰ ਕੇ ਸ਼ੇਖਪੁਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਕੇ ਅਰੇਰੀ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਕੇ ਹੁਸੈਨਾਬਾਦ ਮੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਕੇ ਬੰਧਨ ਕੋ ਤੋੜ ਕਰ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾਮਪੰਤ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਹਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਹੇਜ ਲੋਭ ਕੀ ਭੇਟ ਚੜ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਚਰਿੱਤਰ ਸ਼ੰਕਾ ਕੇ ਚਲਤੇ ਪਤੀ ਨੇ ਪਤਨੀ ਕੋ ਅਪਣਾਨੇ ਸੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਆ। वही अपनाने की एवज में अब पति अपने पत्नी से परिजनों से भारी भरकम दहेज की मांग कर रहा है। पीड़िता पत्नी ने पति के खिलाफ नजदीकी थाने में दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया है। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है। एयरफोर्स में है, चंडीगढ़ में पोस्टिंग है। वो पहले तो शादी हम लोग लव मैरिज किए हैं हम दोनों अपनी मर्जी से, फिर फैमिली भी एक्सेप्ट कर ली, उसके बाद अब 20 लाख का डिमांड करने लगी। तब हमको लेने जाती है, मेरे बच्चे को भी नहीं ले जाते हैं सब लोग। जब हम गए चंडीगढ़ उनके पास तो वो लोग हम लोग को भगा दिए, बोले कि तुमको नहीं रखेंगे, जाओ 20 लाख दोगी तब रखेंगे वरना नहीं रखेंगे। शादी पटना में किए थे 2016 में, नोटरी से, कोर्ट से, उसके बाद मंदिर से की। पति यही कह रहा है पैसा दोगी तो रखेंगे वरना नहीं रखेंगे, और हम लोग उतना देने के सक्षम है नहीं। पति के साथ मेरे ससुर हैं और उनकी और मेरी मौसेरी सास है। मौसेरी सास उन लोग को बोलती है और वही वो लोग करते हैं। हम यही चाहते हैं कि हमको न्याय मिले, मेरे बच्चे को न्याय मिले। हम उतना देने के सक्षम में नहीं है, नहीं दे सकते हैं। अभी कंप्लेन किए हैं, देखते हैं क्या करते हैं। बस ये चाहते हैं कि हम लोग के फेवर में करें, जो भी करें। मेरे जानकारी में तो है कि लड़का और लड़की शादी की है, और सुनने में आया कि शादी भी कोर्ट से हुआ है, और जब सुनते हैं कि एक बच्चा भी उससे हुआ है, बच्चा होने के बाद रखने से इनकार कर रहा लड़का, चूँकि उस समय हवस के भूख में जो है कुछ भी गच लिया, शादी कर लिया, अब रखने से इनकार कर रहा है। बात पंचायत से बनता है तो बनता, नहीं तो फिर थाना है,
वोट है, कानून व्यवस्था। लड़की का तो जिंदगी बर्बाद कर दिया। हम लोग तो लड़की के साथ हैं, चूँकि उसने संबंध बनाया, उसका पेट में बच्चा पल रहा है, बच्चा हुआ है, उसके बाद रखने से इनकार कर दिया और कोर्ट में शादी भी किया है। दोनों अपने मर्जी से शादी कर लिए। लड़का एयरफोर्स में सर्विस करता है चंडीगढ़ में, तो शादी ब्याह कर लिया, पटने में रहने लगा। और उसके बाद लड़की जब गर्भवती हो गई, 6 महीना का गर्भवती हो गई, तो उसका परिवार लोग दबाव देने लगा, क्या करने लगा। वो लड़का एकदम पूरा हमारी लड़की को मारपीट करना चालू कर दिया। जब मारपीट करने चालू कर दिया, 8-8 दिन तक उसको एकदम खाना पीना नहीं देता था, रेल में भगा रहा था कटने के, लेकिन तुम जाओ रेल में कट जाओ। उसके बाद में फिर वो क्या किया, किसी तरह गर्भवती कही कि हम नहीं, हम किसी भी हालत में हम प्रसव नहीं होने देंगे, एकदम हम जब बच्चा ही पैदा करेंगे। तो लड़का बोला कि हमको 20 लाख रुपया एक गाड़ी दो, तब हम रखेंगे, नहीं तो हम नहीं रखेंगे। तो इसी क्रम में नैहर पक्ष वाला द्वारा आरोप लगाया गया है कि ससुराल पक्ष के लोगों ने उनके साथ मारपीट की, और उसी की शिकायत थाने पर मिलने पर हमने यहाँ पे सर्कल इंस्पेक्टर और थाना प्रभारी के साथ महिला थाना प्रभारी को भेजा गया। वहाँ बात ग्रामीणों से बात की गई और महिला को वहाँ से लाया है, और अभी कोर्ट में हम लोग उसका बयान करा के कोर्ट के निर्देश अनुसार आगे मुक्त कर। झारखंड के साहिबगंज पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। राजमहल के गदाई दियरा में किसी बड़े आपराधिक घटना को अंजाम देने के फिराक से आए 3 अपराधी 7 राइफल सहित 3 पिस्टल एवं भारी मात्रा में गोली के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कुख्यात अपराधी राजन सिंह के नेतृत्व में यह गिरोह कलाई लूटने और दियरा क्षेत्र में दहशत फैलाने को लेकर इकट्ठा हो रहे थे। यह गिरोह किसी अप्रिय घटना को अंजाम देने की फिराक में था। दरका का हथियार लगा 7 राइफल, जिसमें 6 .315 का राइफल पाया, 1 12 बोर का राइफल और 3 देसी पिस्टल और 20 चक्र .315 गोली भी बरामद हुआ है। राजन सिंह का गैंग का पता चला है, जो कलाई काटने के समय में अपने दबदबा बनाने के लिए ये दियरा क्षेत्र में जमाए हुए हैं, और ये लोग दहशत फैला के कलाई का लूटने के भी प्रयास जो हर साल होता है, और इसी साल का भी यही मकसद से इन लोग अपने इसी एरिया में अपने दबदबा बनाने के प्रयास कर रहा है। बिहार के बेतिया पश्चिम चंपारण बेतिया के उत्तरवारी पोखरा स्थित चिल्ड्रन पार्क में चाकूबाजी करने से 2 गुटों के बीच चाकूबाजी में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जबकि 1 घायल को कालीबाग ओपी पुलिस ने हिरासत में लेकर इलाज करा रही है। वहीं 2 लोगों का JMK अस्पताल में इलाज चल रहा है, जबकि घायलों में सन्नी यादव की गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया। घायल होने वालों में रामदेव यादव का पुत्र सनी यादव, ननकी उर्फ अनूप, जबकि दूसरे पक्ष के हनुमत नगर निवासी जितेंद्र राय का पुत्र गोलू कुमार शामिल है। झारखंड के हजारीबाग स्थित संत कोलंबा अस्पताल में अस्पताल कर्मियों के द्वारा धरना दिया गया। अस्पताल कर्मियों का कहना है कि उन्हें 4 महीने से वेतन नहीं दिया जा रहा है और ना ही वेतन में बढ़ोतरी की जा रही है। वह अस्पताल के द्वारा पहले जो सुविधाएं मिलती थी उसे भी वापस ले लिया गया है। साथ ही साथ अस्पताल कर्मियों ने बताया कि जब हमने इस बारे में अस्पताल प्रबंधक से बात की तो हमें कहा गया कि वेतन के बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता, अगर आप लोग काम करना चाहें तो कीजिए, अन्यथा मेरे हाथ में कुछ नहीं है। हम लोग का 4 महीना से तनख्वाह नहीं मिला है, और दूसरा है कि हम लोग को तो ये सैलरी में कोई बढ़ोतरी नहीं हुआ है, और मांगने ले जाते, और तीसरा हम लोग का ये ऑप्शन है कि हम लोग को जो मेडिकल जो है से फैसिलिटी मिलता था उसको ऐसे 75% में मैंने 25% कर दिया गया है। सब फैसिलिटी सब फैसिलिटी हम लोग को जो है से मैंने घट गया है। बस हम लोग का मेन मकसद यही है कि हम लोग को समय से हम लोग को तनख्वाह मिले और हम लोग को जो न्यूनतम मजदूरी है वो हम लोग को दिया जाए। अक्टूबर में बोली कि हम लोग पैसा तनख्वाह बढ़ा दीजिए बोल के बोले, सो बोले कि जनवरी से बढ़ा देंगे, अभी तक 1 रुपया नहीं बढ़ाई है। जून से हम लोग का पीएफ का पैसा भी नहीं गया है। अब जो बोलने जाते हैं मांगने जाते हैं तो बोले कि रिजाइन दीजिए, अब दरवाजा खुला है, अब जा सकते। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहें INN24 पर। नमस्कार।